आप सब एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान रुचि चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे छोटे से ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों, तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं थोड़ा सा रूटीन हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज मेरा बहुत मन था आप लोगों से बातें करने का। काफ़ी दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई, काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं अपलोड की है, तो आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं एकादशी व्रत का हमारा रूटीन किस तरह का है, क्या हम खाएंगे आज पूरा हम आपके साथ शेयर करेंगे कि व्रत हम किस तरह से रहते हैं। तो सुबह हमने पूजा कर ली थी, 6 बजे हमने पूजा भी कर ली थी, कथा भी कर ली है, और अभी सुबह हम जा रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। तो नाश्ते में हम क्या खाएंगे हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे, आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ, हमारा पूरा ब्लॉग देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको भगवान के दर्शन करा देते हैं, आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। हमारा ये मंदिर है तो देख सकते हैं, हमने चाय पकने के लिए रख दी है, चाय हमारी पक रही है। तो हमारी चाय बन रही है, देखिए ये हमारी चाय है जो कि पक रही है। तो आज बेटी का भी व्रत है और मेरा भी व्रत है, हम दोनों लोग रहते हैं। तो अभी देखिए ये हमारे मूंगफली के दाने हैं जो कि हम फ्राई करने जा रहे हैं, और ये थोड़े से हमने मखाने भी लिए हैं तो इसको भी हम फ्राई करेंगे, और नाश्ते में हम लोग यही खाएंगे। चाय बस पकने ही वाली है, ये देखिए ये हमारी चाय पक रही है। मखाने हम फ्राई कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप हमने इसमें बिल्कुल भी मक्खन घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, हमने ऐसे ही इनको फ्राई किया है और ऐसे ही हम फ्राई करेंगे। चाय हमारी बनकर तैयार है और हमने मखाने और मूंगफली के दाने भी फ्राई कर लिए हैं और अब हम चाय पियेंगे। और अब हम चाय पी रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा नाश्ता है, ये देखिए मखाने और थोड़े से मूंगफली के दाने भी हैं जो कि हम नाश्ते में खाएंगे सवेरे सवेरे, क्योंकि व्रत में हम यही लेते हैं। बिटिया की पूजा अभी नहीं हुई है, वो आप सो के उठी हैं, हमने पूजा पहले कर ली थी तो 8 बज गया था, तो मुझे बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा जब तक वो उठेंगे नहाएंगे तब तक हम अपना नाश्ता करके तैयार हो जाते हैं। बिटिया के लिए मैंने मखाने और मूंगफली के दाने भी फ्राई व्राई करके रख दिए हैं, चाय भी बन गई है, आयुष्मान सो रहे हैं तो वो जब उठेंगे तो अपना चाय वाय पियेंगे। ऐसा दोस्तों हम कभी चाय नहीं पीते हैं, व्रत है तो आज हम चाय पी रहे हैं, नहीं तो हम चाय बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, मेरी चाय की आदत एकदम नहीं है। और व्रत में ऐसा होता है कि अगर हम चाय नहीं पीते हैं तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, ऐसे नहीं होता है, व्रत में ही मेरे साथ ये समस्या होती है, इसलिए व्रत में हम एक चाय ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपना वजन घटाया है, तो चाय हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं, क्योंकि चाय से वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए हम चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं। और ये मूंगफली के दाने भी आप देख रहे हैं, इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और वजन भी तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए व्रत में हम ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा वजन फिर से बढ़ जाए, क्योंकि वजन घटाना बड़ा मुश्किल है। 9 बज चुके हैं और आयुष्मान का भी टाइम हो गया है, तो ये उठ चुके हैं और इन्होंने ब्रश वगैरह कर लिया है, तो इनको चाय के साथ व्रत खाना पसंद है नाश्ते में, तो ये सुबह यही नाश्ता करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।